आज मैट्रिक का लास्ट एग्ज़ाम है, आज 23 फरवरी को लास्ट एग्ज़ाम है संस्कृत का। तो चलिए हमें एच प्रोवाइड हुआ है तो एच चलिए देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मथ जो कथवा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो ये मथित्वा मथित्वा। दूसरा है, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो थाल। तीसरा हमारा है, रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो रजकी। चार नंबर देख लीजिए, अर्णो अनियान महतो महियान, तो महतो। पांच नंबर देख लीजिए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो पांच। छह देख लीजिए, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ से भयंकर रहेगा, इसने कौन कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। सातवां देख लीजिए, काव्य मानसा के कवि कौन है, तो राजशेखर। आठ का देख लीजिए, आठ का आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा। आलस कथा कैसी कथा है, तो हास्य कथा है। अच्युतार्य कहाँ के राजा थे, अच्युतराय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर। ग्यारह देख लीजिए, भवतः शब्द में के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा, तो भवान भवानी भवताम भवताम। बारह क्या हो जाएगा, तिष्ठिति में धातु क्या है, तो तिष्ठिति में तिष्ठ हम खाली अब आंसर बोलते हैं। तो तेरह का क्या हो जाएगा, हम तुम। चौदह का देख लीजिए, राघव में अन। पंद्रह, निपुर्णा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप। सोलह देख लीजिए, हितोपदेश बाघ के हाथ में क्या था, तो कुश था। कंगन जो था, जो से बुला रहा था सबको। व्याघ्रपति कथा में तो बाघ का किसके बिना ज्ञान भार है, तो ध्यान के बिना। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, साध्वी। जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भागे, तो धूर्त लोग जो थे भाग गए थे। सिख समुदाय के गुरु, दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति होनी चाहिए। चौबीस का देख लीजिए, डीप। पच्चीस, ज्ञातवान। छब्बीस देख लीजिए, वर्तमानम। नमन में कौन सा प्रत्यय है, तुमून। अट्ठाईस का धार्मिक। भवेत किस लकार का है, तो लट। वाची में कौन सी व्यक्ति सप्तमी। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में, क्रमवीर। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर गुरु की खोज में चल गए थे। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँच गए, मथुरा। डी ए भी 1883। मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी। 38 का चित्रकूट। 39 वाल्मीकि। चालीस देख लीजिए, सीता। 41 का मरणोपरांत। जन्म से पूर्व कितने संस्कार, तीन संस्कार। 43 का एक गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। 44 का विवाह हो जाएगा किस संस्कार के लोग, इसके साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, विवाह। 45 का ए हो जाएगा नीति श्लोका पाठ ग्रंथ के संगलित है, विदुर नीति। 46 का ए सत्य से, विद्या की रक्षा सत्य से होती है, नीति श्लोका विद्या हो जाएगा। 48 देख लीजिए, नीति श्लोका में 5। 49 गुरु राम परवेश राम को उपदेश दिए थे, गुरु दिए थे। राम परवेश राम का जन्म भिखन टोला में हुआ था। जनक की सभा में कौन थी, तो मैत्रेयी। 52 का गंडा देवी। 53 का देख लीजिए, सी कवियों और शास्त्रकारों। 54 का ये हो जाएगा। 55 का सी विष्णु पुराण। 56 का डी हो जाएगा। 57 का डी। 58 का ए के। 59 का ए मंत्री। मिथिला में बृहेश्वर कौन था, बृहेश्वर मंत्री थे।
गोलघर तो पटना में है। 61 का हो जाएगा कुत्र। पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है तो सानंग। 63 का हंती। 30 समास का उभय पद प्रधान होता है, उभय प्रधान अव्यय भाव सयनम। 66 का बी हो जाएगा। एतत् जोर स्वित्वा की संधि है तो एतत् स्वित्वा। 68 का ए हो जाएगा। 69 3। 70 का डी उपदेशात्मक। 71 का सी हो जाएगा आलस कथा। 72 का सी विसर्ग। 73 का डी हो जाएगा। 74 का डी। 75 बी। 76 बी हो जाएगा स्वर। नरेश की संधि का स्वर का है। 77 नैयायिक समास। 78 ए पंचमी। 79 का आप सब बताइएगा, ठीक। 80 का देख लीजिए बी विवाह। 81 का बी सत्य। 82 का सी। 83 बी। 84 बी। 85 का ए हो जाएगा। 86 का ए। 87 का आप बताइएगा। 88 ए सम। सम पद में कौन सा उपसर्ग है तो सम। धनुषा में मूल शब्द क्या है तो मूल शब्द धनुष। 90 का ए अस। 91 का देख लीजिए तस्मिन पद का मूल रूप है तो अस अदस। 92 का देख लीजिए निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है तो नीर। 93 देख लीजिए किस पद में परि उपसर्ग है तो परिणामम। 94 का आप बताइएगा ये भी। 97 का ए हो जाएगा। 98 का ए। 99 का डी सप्तमी। और 100 का ए।